सो हेलो मेरे भाई लोग, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आरवीएस एनिमे हिंदी। भाई आज अपन लोग बात करने वाले हैं उस कैरेक्टर की जिसने साइंस को ये वाला स्कार दिया, वो बंदा जो वन ऑफ द फोर योंकोस में से एक है। हाँ भले ही उसकी बाउंटी उनमें सबसे कम है, लेकिन ये बंदा बहुत ज्यादा आतंक फैलाने वाला कैरेक्टर है। मैं बात कर रहा हूँ उस कैरेक्टर की जिसने व्हाइट बियर्ड को तक मार दिया, वह कैरेक्टर है अपना ब्लैक बियर्ड। वन पीस के वर्ल्ड में सबसे कमीना कैरेक्टर अगर कोई होगा तो वो अकाइनो के बाद ये होगा। वैसे मुझे ब्लैक बियर्ड ज्यादा कमीना लगता है। खैर आज अपन लोग जो इसके पावर के बारे में बात करेंगे, सबसे पहले अगर मैं बात करूँ करंट टाइम की, तो ब्लैक बियर्ड वन ऑफ द फोर योंकोस में से एक है और इसकी बाउंटी सबसे कम है। देखो यार, अगर तुमको लगता है कि वन पीस में बाउंटी उसका पावर दिखाती है कि वो कितना ज्यादा पावरफुल है, तो ये तुम सबसे बड़े गलत हो, क्योंकि वन पीस में बाउंटी उसके खौफ के हिसाब से पड़ती है। वो वर्ल्ड गवर्नमेंट के लिए कितना बड़ा खतरा हो सकता है, उस हिसाब से उसकी बाउंटी बढ़ती है। और अगर हम लोग बात करें ब्लैक बियर्ड की, तो ब्लैक बियर्ड ने अभी तक ऐसा कोई काम नहीं किया जिससे वर्ल्ड गवर्नमेंट के लिए खतरा हो। ऊपर से इस पे यार अभी के टाइम पे कोई भी वर्ल्ड गवर्नमेंट का मरीन का एडमिरल कोई ध्यान नहीं देता, इसको इंटरेस्ट में नहीं लेता, बजाय आओकीजी को छोड़ के, क्योंकि यार आओकीजी अभी करंट टाइम पे इसका क्रू का मेंबर है। खैर अगर मैं बात करूँ इसके पावर को लेकर के, तो ये अभी फिलहाल के टाइम पे दो डेविल फ्रूट को प्रोसेस करता है, जिनमें से एक डेविल फ्रूट है पैरामीसिया क्लास का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट डेविल फ्रूट अपना ट्रिमर फ्रूट, तो दूसरा है लुगिया क्लास का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट डेविल फ्रूट यामी यामी नोमी। प्लस यहाँ पे एक और सवाल उठता है ब्लैक बियर्ड को लेकर के कि क्या उसके पास हाकी है या नहीं। देखो उस बारे में मैं बाद में आऊंगा, सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगा कि ब्लैक बियर्ड योंको किस तरह से बना। जैसा कि तुम लोग जानते हो, जितने भी योंकोस होते हैं उनमें से सैंग्स को छोड़ के अभी के टाइम पे सबके पास कोई ना कोई यार टेरिटरी है। बिग मॉम के पास टोटो आइलैंड है, काइडो के पास वानो है, और ब्लैक बियर्ड ने क्या किया, अपने टेरिटरी किस हिसाब से बनाया। जब व्हाइट बियर्ड मर गया, उसके बाद जो 2 साल का जो हमें टाइम स्किप दिखाया गया, लूफी अपना ट्रेनिंग कर रहा था रैली के साथ, उस वक्त इस बंदे ने क्या, जितने भी व्हाइट बियर्ड के अंदर आइलैंड आते थे उन सब में एक एक करके हमला करता गया, उन सबको तबाह करता गया, उनको अपने अंदर कब्जे में करता गया, जिनमें से सिर्फ कुछ ही आइलैंड बच गए। एक है फिशमैन आइलैंड और दूसरा है जो व्हाइट बियर्ड का होम टाउन हुआ करता था, उसको किसी तरह से बचा लिया मार्को और बाकी के क्रू मेंबर्स ने। और बात करो फिशमैन आइलैंड की, तो यहाँ पर जिनबे ने एक ट्रंप कार्ड खेल लिया, उसने सीधे जाकर के बिग मॉम के क्रू को ज्वाइन कर लिया, जिससे एक तरह से कह लो इनडायरेक्टली जो फिशमैन आइलैंड है वो बिग मॉम के टेरिटरी के अंदर आ गया। और ब्लैक बियर्ड की मजाल नहीं थी कि वो जाके एक क्रेजी योंको से भिड़ सके, जिससे यार रॉजर भी फाइट करने से अवॉइड करता था। फिलहाल के टाइम पे अगर मैं बात करूँ, जो अपना ब्लैक बियर्ड है वो धीरे धीरे अपने मंसूबों पे कामयाब होने का ट्राई करता है, वो बिना किसी पावर हाउस से भिड़े, डायरेक्टली किसी से नहीं भिड़ता। अगर तुम देखे होगे तो वो व्हाइट बियर्ड को भी, अगर उसको मारने का जिस तरह से उसका प्लान था, उसने एस को पहले पकड़वा दिया वर्ल्ड गवर्नमेंट से, और फिर वो जानता था कि व्हाइट बियर्ड हमला करेगा और वहाँ पर व्हाइट बियर्ड की मौत होगी, और उस तरह से वो जो है उसके डेविल फ्रूट को ले पाएगा। मेरे भाई उसको एक बात साफ साफ पता है कि वो उस हालत में नहीं है कि वो एक योंको से जाके भिड़ सके। ऐसा नहीं है कि अभी करंट टाइम में वो एक योंको बन चुका है, मतलब वो जाकर के किसी काइडो सैंग्स या बिग मॉम से नहीं भिड़ सकता। हो सकता है उनके साथ फाइट करे और उन दोनों की फाइट बहुत ज़बरदस्त होगी, और तुम अच्छे से जानते हो कि इन दोनों का फाइट अगर होता है, दो योंकोस आपस में कभी भी भिड़ते हैं, तो बहुत बड़ा वॉर छिड़ जाता है। और अगर ये बहुत बड़ा वॉर छिड़ता है तो भाई दोनों साइड को बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, जितना एक योंको को होता है तो दूसरे योंको उसको भी उतना ही नुकसान होता है। और अगर ब्लैक बियर्ड को अपने मनसूबे में कामयाब होना है तो सबसे पहले तो इसको योंको से भिड़ना बंद करना पड़ेगा, और उसने यही किया, उसने अवॉइड किया है कि बाकी योंकोस के साथ फाइट करना है। वो सैंग से भी नहीं भिड़ता है, ना ही बिग मॉम से भिड़ता है, ना ही काइडो से भिड़ता है, वो बस जो व्हाइट बियर्ड की टेरिटरीज थी उन सबको धीरे 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 कब्जा करता गया, और अभी कब्जा कर चुका है। फिलहाल के टाइम पे अगर हम लोग देखें तो वन पीस को देख के यही मालूम पड़ता है कि ब्लैक बियर्ड जो है वो रॉक्स डी ज़ेबक के विल को फॉलो करता है, जिस तरह से अपना लूफी किंग ऑफ द पायरेट गोल्डी रॉजर के विल को लेकर के पैदा हुआ है, उसी तरह से रॉक्स डी ज़ेबक के विल को लेकर के पैदा हुआ है अपना ब्लैक बियर्ड। प्लस ऊपर से इसके नाम के बीच में आता है विल ऑफ डी वाला डी, मार्शल डी टीच इसका रियल नेम है, और इसका जो क्रू है ना इसमें भाई टॉप के इंपेल डाउन के कैदीज भरे पड़े, और एक एडमिरल भी है जो अपना आउकीजी है।
तो तुम इससे अंदाजा लगा सकते हो कि इसका जो क्रू है कितना ज्यादा स्ट्रांग है। साथ ही मेरे भाई अगर मैं इसके शिप का नाम लूं तो वो है द सेबर ऑफ ज़ेबेक। तो यहीं पर साफ साफ पता चलता है कि यार वो रॉक्स डी ज़ेबेक को जो है इंस्पायर करता है, और वहां पर ऐसा लगता है कि रॉक्स डी ज़ेबेक के मंसूबों को जो है कामयाब करने का ट्राई करेगा, जो कि गार्प और रॉजर की वजह से रॉक्स डी ज़ेबेक कामयाब नहीं कर पाया था। लेकिन अपना जो ब्लैक बियर्ड है वो भाई ब्रेन से काम लेता है, अपने पावर को कम यूज करता है। वही अगर मैं बात करूं, बहुत लोग समझते हैं कि ये सबसे ज्यादा वीक है, तो तुम सबसे ज्यादा गलत हो। अगर तुमने मेरा टॉप 10 वाला लिस्ट देखा है तो वहां पर मैंने ब्लैक बियर्ड को नंबर 10 पे रखा था। उसका सबसे बड़ा रीजन ये निकल के आता है कि यार हमने अभी तक ब्लैक बियर्ड को किसी तगड़े ओपोनेंट के साथ फेस टू फेस भिड़ते नहीं दिखा, लेकिन इसके पास उतना पावर है। इस बंदे ने यार सैंक्स को उस वक्त स्कार दिया था जब इसके पास कोई डेविल फ्रूट पावर नहीं थी, और तुम अच्छे से जानते हो कि अपना सैंक्स जो वो कितना ज्यादा पावरफुल है। हाँ, यहाँ पे कुछ लोग बोलेंगे कि भाई हो सकता है कि उस वक्त अपना सैंक्स उतना ज्यादा स्ट्रांग नहीं होगा, तो यहाँ पर एक चीज मैं कहना चाहूंगा, अगर ऐसा होता तो अपना सैंक्स जाकर के वाइट बियर्ड को ये बात नहीं बोलता कि एस को जाकर के रोको, ये जो स्कार देख रहे हो ना मेरे चेहरे पे, ये उसी टीच ने दिया है। यहाँ पर हमें एक चीज तो साफ साफ पता चलता है कि ब्लैक बियर्ड कमजोर नहीं है, वो भी विदाउट डेविल फ्रूट। अगर उसके पास डेविल फ्रूट आ जाता, अभी तो दो दो ऐसे डेविल फ्रूट है जो अपने क्लास में सबसे ज्यादा स्ट्रांगेस्ट माने जाते हैं, तो तुम उससे अंदाजा लगा लो कि अपना जो ब्लैक बियर्ड है वो फ्यूचर में कितना ज्यादा पावरफुल अपना छिपा के रखा। फ्यूचर में जब वो अपने ट्रू पावर दिखाएगा भाई सबकी फटने वाली है। वही अगर मैं बात करूं यार सैंक्स वर्सेस ब्लैक बियर्ड, ये हर कोई मांगता है यार। जिस दिन ये चीज हो गया ना उस दिन इंटरनेट तबाह हो जाएगा, ट्विटर पे बवाल मच जाएगा। जिस तरह से अटैक ऑन टाइटन में लिवाई वर्सेस बीस्ट टाइटन बहुत ज्यादा फेमस है, उसी तरह वन पीस के वर्ल्ड में सैंक्स वर्सेस ब्लैक बियर्ड ये फेमस होगा। हाँ, वो बात अलग है कि अपना सैंक्स उसको हरा पाता है कि नहीं पाता, वो चीज तो देखने लायक होगा। कुछ लोग आएंगे और बोलेंगे कि जब ब्लैक बियर्ड ने मरीन फोर्ड में व्हाइट बियर्ड को मार करके उसका डेविल फ्रूट ले लिया, और उसके डेविल फ्रूट को यूज करके यार वो सेनगोकू तक के साथ कम्पीट नहीं कर पा रहा, तो तुम कैसे कह सकते हो कि अपना ब्लैक बियर्ड उतना ज्यादा फ्यूचर में स्ट्रांग हो सकता है। यहाँ पर मैं एक चीज कहना चाहूंगा मेरे भाई, उस वक्त उसने ट्रिमर फ्रूट को नया नया ही पोजेस किया, तो हो सकता है उस पावर को ठीक से यूज नहीं कर पा रहा, इसी वजह से वो उसके खिलाफ जो स्ट्रगल कर रहा है। अगर हो सकता अभी का जो ब्लैक बियर्ड है उसने 2 साल ट्रेनिंग करके वो पावर हासिल कर लिया होगा, उसको आ गया होगा ट्रिमर फ्रूट को अच्छे से यूज करना, तो इस हिसाब से हम लोग कह नहीं सकते हैं कि अपना ब्लैक बियर्ड कितना वीक है या फिर कितना ज्यादा पावरफुल है। हो सकता है ये फ्यूचर में वर्ल्ड को तबाह करना चाहिए, कुछ भी कर सकता बंदा जब से इसके पास ट्रिमर फ्रूट आ चुका है। और इसने किस तरह से 2 डेविल फ्रूट के पावर को प्रोसेस किया, ये यार ये बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है, इसको लेकर बहुत सारी थ्योरीज बन चुके हैं और मैं उसी थ्योरीज को दोबारा से रिपीट नहीं करना चाहता। खैर, यहाँ पर एक और सवाल उठता है कि क्या ब्लैक बियर्ड के पास कॉन्करर हाकी है। मेरे हिसाब से उसके पास कॉन्करर हाकी हो सकता है। यहाँ पे कुछ लोग बोलेंगे कि देखना ब्लैक बियर्ड कितना ज्यादा फट्टू है, वो बाकियों की तरह तो नहीं है। देखो मेरे भाई, ऐसा भी तो हो सकता है कि ब्लैक बियर्ड फट्टू नहीं है, वो सियाना है, वो चालाक है, कि वो जानते हैं इसके खिलाफ अगर मैं भिड़ूंगा तो मेरा ही नुकसान होगा। अभी के टाइम पे इसको अवॉइड करते हैं और अपने मनसूबों पे पहले कामयाब हो लेते हैं, उसके बाद इसको देखेंगे। प्लस इसके पास कॉन्करर हाकी होने का सबसे बड़ा रीजन ये निकल के आता है कि ये डी क्लैन से है, और ज्यादातर डी क्लैन के बंदों के पास यार कॉन्करर हाकी होता ही होता है, और ऊपर से इसके पास अगर कॉन्करर हाकी नहीं होती तो ये यार किसी योंको को डैमेज नहीं कर सकता, क्योंकि तुम लोग अच्छे से जानते हो बाकी के जितने भी योंकोस हैं, सैंक्स, लिलिन, काइडो, ये लोग सब एडवांस कॉन्करर हाकी कोटिंग करके घूमते हैं, ये हर वक्त एडवांस कॉन्करर हाकी कोटिंग करके रखते हैं, जिसको हिट करने के लिए तुम्हारे पास भी एडवांस कॉन्करर हाकी होनी चाहिए। और अगर इसको नहीं आता है तो फिर यार ये इन लोगों का कुछ नहीं उखाड़ पाएगा। शायद ऐसा भी तो हो सकता है कि इसके पास वो पावर है पर वो ठीक से उसको अभी तक मास्टर नहीं कर पाया है, इसी वजह से वो उनसे भिड़ नहीं रहा है। पर देखते हैं यार, ये देखना बहुत ज्यादा दिलचस्प होगा कि वो फ्यूचर में किस तरह से उस पावर को यूज करता है। खैर, मेरे हिसाब से मैंने यहाँ पर जितने भी यार ब्लैक बियर्ड को लेकर के पॉइंट्स थे उनको जो है कवर कर लिया। अगर तुम्हारा कुछ डाउट रह गया, कुछ सवाल पूछना है, तो तुम लोग कमेंट बॉक्स में मुझे जो पूछ सकते हो। साथ ही मेरे भाई, मेरे को 2K चाहिए यार इस वीडियो के बाद, जल्दी से जल्दी जैसे भी करके 2K करवा दो, वीडियो को दबा के शेयर मारो। और अगर तुम लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किए तो प्लीज इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना, 224 फॉलोवर पता नहीं कैसे कल रात को ही हो गया, जल्दी से जल्दी करो जाओ, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। तो यार मिलेंगे कल एक और नए वीडियो के साथ, अभी के लिए बाय।